अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। वेरी भी रात के जो 12:01 हो रहा है, अभी सारे के सारे कपड़े मैंने ऑलमोस्ट ले लिया हूँ एंड वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। धैर्य स्क्रीन थी वहाँ पर, जो एक पोल की लाइट थी वो भी जब बारिश की वजह से बंद हो चुकी है। फिलहाल भी आप देख सकते हो पीच ब्लैक अंधेरा है, सिर्फ मैं बैलकनी की लाइट चालू है। अगर मैं वो भी बंद कर दूँ तो भाई एकदम सन्नाटा, एकदम ब्लैक आउट हो जाएगा। मैंने बोला था रात में कभी बारिश आ सकती है, तो जैसे कपड़े अंदर ले रहा हूँ मैं, जो भी जिसमें थोड़ा बहुत सूखे हैं। वह धूप भी इतनी कुछ खास ही निकली थी, लेकिन अभी काफ़ी देर से हवा चलना स्टार्ट हो चुकी है। सारे के सारे कपड़े मैंने ले लिया, मैंने आपको कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही होगी। जब यहाँ पे लगभग 5-6 कुत्ते बैठे रहते हैं, वो रेखड़ी उसके ऊपर। ऑलराइट, सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी जो सुबह के 11:15 एंड ये जो मैं लाइट है जैसे आपको बताऊंगा, ये मैंने लिया था। ये बेसिकली एक टच वाला लाइट है जिसकी बैटरी ख़राब हो गई है, लेकिन ऑन प्लग अपने चार्जर से चलता है। तो बेसिकली मैं इसका ये नीचे का ढक्कन खोल के इसके अंदर बैटरी उसको मैंने निकाल दिया था। इसकी बैटरी जो फूक गई थी लिटरली, वही है मैं कभी कभी इसकी लाइट से ऐसे प्रॉपरली काम करती है, प्लग भी लगाने के बावजूद भी कभी कभी नहीं करती है। तो इसको मैं अपने टीवी के पीछे रख रहा हूँ ताकि जब टीवी चालू हो तो इस लाइट का इफेक्ट दीवार के ऊपर पड़े। यू नो, एक ऐसा फैक्ट भी है कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं अंधेरे में, जैसे कि मेरे लैपटॉप के पीछे भी एक लाइट है, मेरे टेबल के अराउंड भी लाइट है एंड ऐसी जो एक स्क्रीन है जो आप इसके ऊपर कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, उसके पीछे भी एक दूसरी लाइट लगाना ज़रूरी है ताकि हमारी आँख जो है ख़राब ना हो। अगर हम कंटिन्यूसली अंधेरे के अंदर हमारी स्क्रीन देखते रहेंगे, लैपटॉप की हो गई, कंप्यूटर की हो गई, टीवी हो गया, तो उससे हमारे आँखें ख़राब होने की ज़्यादा चांसेस है। तो आपको जो टीवी के पीछे या फिर लैपटॉप कंप्यूटर आप जो भी यूज़ करें उसके पीछे आपको एक छोटी सी लाइट रख देना है ताकि उसका उजाला भी साथ ही साथ पीछे से निकलता रहे एंड आप अपना काम भी साथ ही साथ करते रहो एंड अपनी आँख पे भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले तो मैं टीवी को ऑन कर लेता हूँ। सो एक बार जो मैं टीवी के पीछे इसको लगा के देखा हूँ, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, लेकिन अभी जैसे मैंने वापस अपने प्लग में लगा के देखा तो जल रहा था। तो नाउ लेट्स सी, पहले तो इसका USB पोर्ट पीछे लगाना पड़ेगा टीवी के। परफेक्ट, इस लाइट के आगे बढ़ ही नहीं रहा। ये देखो ऐसा हो रहा है, तो प्रॉब्ली ये सही है। ये देखो सही, यहाँ पे टीवी के पीछे एक मस्त प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है। बाकी अभी उजाला करके समझ रहा नहीं, लेकिन अंधेरा जब होगा तब ये एकदम अच्छी तरीके से दिखाई देगा। लाइट भी ब्लू है, अपना फ्लैग भी ब्लू है, तो ये एकदम मस्त लगेगा जब रात होगी। चलो एटलीस्ट बैटरी खराब होने के बाद भी एटलीस्ट ऐसे ऐसे काम तो कर रहा है। टीवी का रिमोट अभी कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन टीवी को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। टीवी बंद, लाइट भी बंद। अब सुबह से उठने के बाद अभी से जो मैं कपड़े थे मैंने बाहर डाल दिया हूँ और ये भैंस क्या ड्रिजलिंग हो रही है। अच्छा, वो देख लिया मैंने, मेरी कैसी ड्रिजलिंग जो रुक जाएगी क्योंकि बादल है नहीं इतने। और ये भाई काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी एंड साथ ही साथ लाइट भी गई थी, तो मैं तो सो गया था। लाइट जाते हुए मैंने देखा, उसके बाद मैं सो गया था। बाकी मुझे पता नहीं कब लाइट आई एंड वही अभी बारिश आ रही है, तो अभी किसी भी वक्त जो लाइट जा सकती है एंड इतनी सारी ड्रैगन फ्लाई सो रही है। तो घर में भी शांति है क्योंकि मोहम्मद अली अब तक जो सो रहा है, मोहम्मद अली उठ गया था फिर समझ जाओ पूरा घर में धमाल। ब्लैक चीनी आज के दूध वाली चाय एंड ये पराठे। मोहम्मद अली ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी से कपड़े मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिया क्योंकि धूप निकली थोड़ी बहुत। कल जो मेरे घर में मुर्गी का सालन बना था वही हमने आज खाया खाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। कल का बचा हुआ खाना अगले दिन खाने के बाद लिट्टी उसका टेस्ट जो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। NBS थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है। तो हियर इज द थिंग भाई, जो चाय लवर्स है, जैसे कि आपको इस फ्रॉक की शुरुआत में दिखाया, आज मैंने दूध वाली चाय से हमने दिन स्टार्ट किया एंड अभी दोपहर के 4:15 है एंड अभी मेरे अम्मी जान जो चाय बनाने वाले हैं। और चाय कौन सी, नॉर्मल चाय नहीं, कश्मीरी चाय बनाने वाले अम्मी जान, जिसका कलर जो है वो नॉर्मल चाय की तरह नहीं है, उसका कलर पिंक है। काफ़ी साल पहले मैंने पिया था पिंक कलर की कश्मीरी चाय मुंबई में पिया था एंड ये जो कश्मीरी टी है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो मुझे पार्सल रिसीव हो गया। सो आज इंशाल्लाह उसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको आगे सजेस्ट करूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कश्मीरी चाय। और भाई चाय के लिए बारिश का पानी यूज़ हो रहा है। और भाई ये रही कश्मीरी चाय की पत्ती, जो कि नॉर्मल चाय की पत्ती से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और ये मैं आपको दिखा रहा था कश्मीरी नून चाय पिंक सॉल्ट टी। और ये चाय बन रही है इलेक्ट्रिक केटल में, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भाई बाई रहती भी शक्कर की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड कंपेयर टू नॉर्मल चाय के हिसाब से इसकी तो खुशबू अलग है। ऑलराइट, सो नाउ द मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, ये आ गई अपनी चाय। ऑलराइट, सो हियर इज द फाइनल लुक ऑफ कश्मीरी पिंक सॉल्ट टी। देयर यू कैन सी हल्का हल्का सब मुझे पिंक कलर दिखाई दे रहा है, शायद से कैमरे में फेसन नहीं दिख रहा होगा। नाउ देयर यू कैन सी यहाँ पे जो उसकी पत्तियाँ वगैरह मैंने तैर दी है माशाल्लाह से। ऑलराइट, सो नाउ द मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, टेस्ट की बारी है। ऐसे अभी हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह हा,
तो भाई नॉर्मल चाय से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है टू बी ऑनेस्ट, एकदम गाढ़ी गाढ़ी चाय है। एंड बिसाइड दैट भाई गाँव में बैठ के मैं कश्मीर की चाय पी रहा हूँ, इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो बारिश की वजह से यहाँ पे तो पूरी काई जमी हो जा रही है, स्किन से आपको हरा हरा दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से बहुत गंदा पीस चल रही है। देखो भाई आप रब बाप, एकदम जान से एकदम संभल संभल के निकलना पड़ता है। वेल अभी आज के 7:30 बज रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। एंड अभी अपने घर में एकदम सडनली सेटअप बनाया है भजिया बनाने का। ये भैंस क्या कुछ दिख रहा भी नहीं, एकदम पीच ब्लैक है। मैं टॉर्च बंद कर दूँ तो ये देखे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। आलू के मस्त भजिए बनने वाले हैं साथ ही साथ भाई, एकदम प्यारा मौसम हो रहा है तो भाई मस्त मजा आएगा, तो वही मैं सामग्री लेने जा रहा हूँ। एंड एज आई सेड दैट मगरिब के बाद से लेकिन यहाँ पे पूरा सन्नाटा हो जाता है, ना इंसान ना इंसान की जात। एंड मैं माशा से हवा बहुत मस्त चल गई अभी ठंडी ठंडी, तो भाई ये मतलब अंदाजे से आधा किलो प्याज निकाल लिया हूँ, भाई देखते हैं सही है कि नहीं। परफेक्ट आधा किलो सी, ओके ओके हाँ देख लो। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि भाई चिकन से ज़्यादा प्राइस जब तरकारी हो गया है, सबसे ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है वो ये है लहसुन, इसका भी भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है। मैं सोचो भाई 80 रुपये के जो है 250 ग्राम है, तो इट इज़ लाइक भाई कि अभी जो तरकारी नॉनवेज से भी ज़्यादा महंगी है। बाकी अपना कैसे 50 रुपये की चिकन लेके आए अपन, तो जैसे हमने देखा भाई 2 दिन हमने चला है माशाल्लाह से। भाई बात रही वेजिटेबल की तो भाई उसका जो भाई प्राइस एकदम नेक्स्ट लेवल है। भैया सारी की सारी सामग्री आ चुकी है। अच्छा सर भाई कैसे हो, कैसे अम्मा तुम्हारा नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ओके ओके, कब से वेट कर रहे थे दोनों? रिक्शा में लाइट देखो भाई क्या ही तगड़ी लाइटिंग के अंदर। एंड रिक्शा अगर मुझे लाइट लगाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में एकदम अंधेरा होता है, आज वक्त अपने स्ट्रीट लाइट को होती नहीं है ज़्यादा करके, तो जितना ज़्यादा उजाला उतना ज़्यादा बेटर रिक्शा के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो बैठे हुए होते हैं। एंड बारिश का पारा भी बढ़ चुका है, फ्लैश लाइट पर बंद कर दूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी अभी जैसे घर पर पहुँचा हूँ एंड ये देखो खेलते खेलते और भाई क्या परफेक्ट टाइमिंग है, जैसे रस्ते से काफ़ी देर बारिश शुरू होती है और थोड़ा मैं लेट जाता रस्ते से ही आना चाह रहा है, और बारिश में भीग जाता था तो बिजली भी साथ कड़क ही रही थी, किसी भी वक्त लाइट जा सकती है। तो ये विंडो भी बंद कर लेते कि यहाँ से पानी आ रहा है, आड़ी बारिश आई भाई। ये देखो गई लाइट गई, वीडियो चालू था मेरा और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फुल फ्लैश में बारिश शुरू हो चुकी है। तो अभी अभी जो लाइट आई है और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो टाँका भरो भाई फटाफट से, क्योंकि अभी पता नहीं कभी लाइट जा सकती है वापस से। एंड मैं भी अपने रूफ टॉप पे आपको मैं और सुना था बारिश की, ये देखो हवा के साथ में बारिश चली है भाई भी खतरनाक वाली। अभी अपने ऊपर वाली विंडो से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ओ हो भाई साहब क्या ही तेज़ बारिश हो रही है अभी, ये देखिए। और हवा का मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो सामने जो पेड़ है वो कितनी तेज़ी से हिल रहा है। और ये जो है वो लाइट गई, लाइट कट ऑफ, विंडो बंद करो। मोहम्मद अली भैया मैं आता हूँ नीचे रहा। और ये देखिए गर्मा गर्म आलू के भजिए माशाल्लाह, और भाई ये है मस्त गर्मा गर्म भजिए। अभी अंधेरे में मुझे कैसा लगा? अच्छा भाई गर्म गर्म है मोहम्मद अली। तो भाई यहाँ पे मैंने अभी एक टॉर्च यहाँ पे लगा दिया फैन के ऊपर पंखे के, तो ये मैं जो बंद कर लेता हूँ बटन, अगर लाइट आई मालूम पड़ा तो ये लाइट घूम के थी नीचे गिरेगी। मोहम्मद अली मोहम्मद अली रिजवान कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? आपको मैं नीचे फ्राई होते हुए भी दिखाता हूँ भजिए। एक बार दोनों भी साइड पर जो मस्त सामने भजिए फ्राई हो रहा है और ये तेज बारिश हो रही है यहाँ पर, और ये हमारा रिचार्जेबल बल्ब है। और ये मैं आपको बाहर दिखाऊँ तो ये देखो भाई अभी जस्ट 15 मिनट भाई साहब है बस के ऊपर फिलअप हो चुका है, अभी जस्ट वो रखा मैंने। और प्याज की भजिया ना भी बाकी है, और वाइट सा फाइनली ये प्याज के भी जो है भजिया आ चुकी है। वही आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्या कर रहे हैं? नहीं खाता अरे नीचे आता। और वाइट से भाई अभी रात के जो है कितने बजे 9:10 हो रहा है, मतलब बादल वगैरह सब गरजना बंद हो चुके लेकिन बारिश चालू है, कम हो चुकी है कंपेरेटिवली। मैंने भी जैसे एक सेकंड की लाइट आगे ऑफिस से चल गई, तो प्रॉब्ली ऑफिस से भी थोड़ी ही देर में लाइट ऑफिस से आ जानी चाहिए। और वाइट से अभी रात के 10 बज रहे हैं, फाइनल में चाय भी रेडी हो चुकी है एंड लाइट का कोई अंदा पता नहीं है, तो अंधेरे में चाय पी रहे हैं। ये जो होगा गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है अभी। और वाइट गाइस तो रात के भी 11:15 बज रहे हैं, फाइनली अभी जाके लाइट आई है। तो आज रात का भी खाना हमने अंधेरे में बैठ के खाए, आज जाके चाय भी हमने अंधेरे में बैठ के पी, उसके बाद जाके अभी रात के 11:15 बजे लाइट आई है। बाय द वे बारिश रुकी नहीं अब तक, बारिश चालू की है। तो प्रीवियस व्लॉग जो आपने इसके पहले देखा उसकी एडवाइस मुझे अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करना है,
इसके पहले कि ऑफिस से लाइट चले जाए, पिछले कुछ महीनों से मैंने दूध वाली चाय पीना बंद कर दिया था, लेकिन आज का दिन सुबह से लेकर रात तक मैं जो दूध वाली चाय पिया हूँ, एंड इवन आपको मैंने इस व्लॉग में जो कश्मीरी चाय भी दिखाया हूँ, एंड कश्मीरी चाय आपको मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। मैं यूजुअली जब चाय पीते हैं दूध वाली, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको ये कश्मीरी चाय जो मैंने आज दोपहर में पिया था, अगर आपको वो चाय परचेज करना है घर बैठे, तो उस कश्मीरी चाय की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो आप घर बैठे उस कश्मीरी चाय को ऑर्डर कर सकते हो, मस्त पियो, अपने गांव में हो चाहे मुंबई में हो, जहां पे भी हो मस्त बैठ के पियो, आपके भाई की तरफ से रिकमेंडेड है, यानी कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। तो होपफुली आपको आज का ये व्लॉग ये पसंद आया होगा। जैसे ही आपने देखा भाई, मगरिब के बाद से लेके अभी जो रात के 11:15 बजे लाइट आई है, बीच में भी लाइट आई थी, ये लाइट वापस से गई, ना ही तो फाइल ट्रांसफर हुई, ना कुछ काम हुआ, लाइट वापस से चले गई। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।